किसी एक राज्य और पार्टी की कहानी नहीं, बल्कि आजादी के बाद जितने राजनीतिक पार्टियों की सरकार बनी उन्होंने इस मुद्दे को जिंदा रखा, या फिर यूं कहें कि अगले चुनाव के लिए मुद्दे को कायम रखा ताकि इस मुद्दे के बल पर वोट ली जा सके और सत्ता हासिल की जाए। देखें ये विशेष रिपोर्ट। आजादी के 70 साल बाद भी देश में लोगों को पीने का साफ पानी मयस्सर नहीं हो रहा है। हर बार चुनाव में बिजली और सड़क के साथ पानी के मुद्दे का जिक्र तो होता है और पार्टियां समस्या के निदान के नाम पर वोट भी हासिल करती है, लेकिन जब नेता जीत हासिल कर सत्ता में आ जाते हैं तो इस समस्या को भुला दिया जाता है, या फिर यूं कहें कि अगले चुनाव में वोट मांगने के लिए इस समस्या को जिंदा छोड़ देते हैं। हम किसी एक पार्टी के नेताओं को दोष नहीं दे रहे हैं, बल्कि जितनी भी सरकारें आई हैं उन्होंने इस मुद्दे का स्थायी हल नहीं निकाला, जिसका आलम यह है कि आजादी के 70 साल बाद भी विकासशील देशों की श्रेणी में खड़े भारत की जनता आज भी पीने के पानी को तरस रही है। इस समस्या के निदान के लिए सरकारें फंड भी बनाती हैं, योजनाएं भी बनाती हैं, लेकिन ये योजनाएं धरातल तक नहीं पहुंच पाती और जो पहुंचती भी हैं वो ठीक ढंग से लागू नहीं हो पाती, जिसके चलते ये समस्या जस की तस बनी रहती है और जनता इसी आस में सरकार की तरफ नजर गड़ाए रहती है कि कभी तो देश को चलाने वाले नेताओं को उनका दर्द समझ में आएगा और उस दिन उनको पीने का साफ पानी नसीब हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 न्यूज। तो आजादी के 70 साल बाद आज भी पीने के पानी की समस्या लगातार बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि ये देश के दूर दराज का हाल है, बल्कि ये तो राजधानी के साथ लगते उस प्रदेश के गांव की कहानी है जिसकी प्रदेश की गिनती देश के अग्रणी राज्यों में होती है। ये तस्वीर है उस गांव की जो देश की संसद से महज 70 किलोमीटर दूर है और यहाँ के लोग पीने के पानी के लिए आज भी नेताओं की तरफ से उम्मीद से देख रहे हैं, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। देखिए पानी को तरसते इस गाँव की कहानी। देश की राजधानी से बेहद करीब और देश की संसद से महज 70 किलोमीटर दूर ये गांव है उस प्रदेश का जिसका नाम देश के अग्रणी प्रदेशों में गिना जाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं हरियाणा प्रदेश की और हरियाणा में भी उस जिले की जिसकी सीमा देश की राजधानी दिल्ली से लगती है। ये गांव है सोनीपत जिले का तिहाड़ कलां। इस गाँव के लोगों को पीने का साफ पानी मयस्सर नहीं है। आपको यकीन न हो तो तस्वीरों में दिख रहे पानी को ध्यान से देख लीजिए। ये पानी इंसान तो क्या, पशुओं के पीने के लायक भी नहीं है। जब गांव वालों ने इस समस्या को लेकर सरकारों से बार बार गुहार की तो सरकार मेहरबान हुई। गांव में 50 लाख की लागत से बूस्टिंग स्टेशन बना। 5 जुलाई 2014 को बूस्टिंग स्टेशन का उद्घाटन भी हुआ, लेकिन पीने का पानी फिर भी नहीं मिला। आप सोच रहे होंगे कि ऐसी क्या वजह हुई कि बूस्टिंग स्टेशन बनने के बाद भी गांव वालों को पानी नहीं मिला, तो आपके इस सवाल का जवाब है सरकारी तंत्र की धीमी रफ्तार और अधिकारियों का ढीला रवैया। जी हाँ, हरियाणा सरकार के अधिकारियों और सरकार के इस मामले में गंभीरता इस बात से जाहिर होती है कि पिछले 3 साल से बूस्टिंग स्टेशन इसलिए काम नहीं कर पा रहा क्योंकि इसमें बिजली का कनेक्शन नहीं किया गया। आपको हमारी बात का यकीन न हो तो खुद सुन लीजिए इन ग्रामीणों की जुबानी। 3 साल पहले हमारे गांव में एक बूस्टिंग स्टेशन बना था जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा बनाया गया था। इसमें कम से कम भी 40-50 लाख रुपए लगे हुए हैं और लगने के बाद ये महकमे द्वारा तैयार किया गया, लेकिन आज तक गांव वालों को इसकी एक दिन भी सुविधा नहीं मुहैया करवाई गई। इसलिए हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि इस बूस्टिंग स्टेशन को जल्दी से जल्दी मरम्मत करके इसको तैयार करके और इसको चलाया जाए ताकि गांव वालों को इसकी सुविधा मिल सके। कई साल हो गए इसको बनाने के बाद, या कोई नहीं आया ना इसका कोई कनेक्शन। 50 लाख रुपए लगा के गवर्नमेंट ने इसको ऐसे डाल दिया। पानी डायरेक्ट आता है, ये आता है, इसमें पीने से बीमारियां और कुछ नहीं, बीमारियों के अलावा। बिल आने लग गए, लेकिन कोई आज तक जे कभी फोन नहीं उठाता। SDO ने एक दो बात करी, एक लेटर निकाल के दिया, हम वो देखा है बिजली विभाग का ऐसा कनेक्शन है, एग्रीकल्चर से जोड़ रखे है, वहाँ एक बार थोड़ी सी हवा चल जाए तो वो तार जो ना कई कई दिन के लिए खराब हो जाती है। SC से लेके SDO से लेके सबको शिकायत कर चुके हैं। गोहाना हमने जाके दरखास्त दे दी, बिजली विभाग को हमने लिख कर दे रखा है, लेटर दिया, हम खुद निकाल के ले आए ये लेटर। कोई समाधान नहीं हुआ, कोई समाधान अब तक नहीं हुआ, ना ही हमारा कनेक्शन ये किया। गाँव में बिजली आती है तो वहाँ नहीं आती, वहाँ आती है तो यहाँ नहीं। गांव वाले समस्या के निदान के लिए आए दिन प्रदर्शन कर अपनी नाराजगी जाहिर करते हैं ताकि उन्हें पीने का पानी मिल सके।
लेकिन सरकार और सरकारी बाबुओं के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। गांव की समस्या के बारे में जिले से प्रदेश की सरकार में कैबिनेट मंत्री कविता जैन को बात बताई गई, लेकिन फायदा कुछ नहीं हुआ। आज भी समस्या जस की तस बनी हुई है। सरकारी तंत्र की उदासीनता को देखते हुए MH1 न्यूज ने इस खबर को प्राथमिकता से दिखाने की ठानी, ताकि गांव वालों की सालों से बनी समस्या से उन्हें निजात मिल सके। इसलिए MH1 न्यूज की टीम ने इस बारे में सबसे पहले जिले के डिप्टी कमिश्नर से बात की। DC ने जवाब में क्या कहा, आप सुनिए। ये मेरे संज्ञान में नहीं था मामला, अभी संज्ञान में आया है, इसमें कार्रवाई करें। ये मेरे संज्ञान में नहीं था मामला, अभी संज्ञान में आया है, इसमें कार्रवाई करें। DC की तरफ से संतोषजनक जवाब न मिलने पर हमारी टीम ने यही सवाल सोनीपत पहुंचे हरियाणा सरकार के मंत्री कृष्णलाल पंवार के सामने उठाया। MH1 न्यूज के सवाल पर मंत्री ने सफाई दी और जल्द ही समस्या का निदान कराने की बात कही। गांव की सप्लाई है, उनसे उसके कनेक्शन दिए जाए। एग्रीकल्चर में 8 घंटे मिलती है और गांव के अंदर डोमेस्टिक सप्लाई 12 घंटे मिलती है और शहर में 24 घंटे है। तो इसलिए हमने ऑल होस्ट निर्देश दिए हैं कि कोई भी एग्रीकल्चर से पब्लिक हेल्थ का ना जोड़ करके गांव के रूरल से जोड़ा जाए, जिससे पानी प्रॉपर मिले। इसके लिए डी साहब बैठे हैं, हम इनसे भी अनुरोध करूंगा कि तुरंत इस मामले कार्रवाई करके लोगों को पानी पहुंचाने का काम करें। हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार ने जल्द से जल्द बूस्टिंग स्टेशन का कनेक्शन करवाने की बात कही है। अब देखना है कि कब तक मंत्री जी की बात को अधिकारी गंभीरता से लेते हैं और कब तक इस समस्या का निदान कर गांव वालों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था कर पाते हैं। पवन राठी, MH1 न्यूज, सोनीपत। तो देखा कि किस तरह से इन समस्याओं से जूझ रहे हैं गांव वाले। बूस्टिंग स्टेशन बना दिया है लेकिन महज खाना पूर्ति के लिए, क्योंकि वो अभी तक भी काम नहीं कर रहा है। शिकायतें की गई लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। रुकेंगे यहां पर छोटे से ब्रेक के लिए, लगातार इस खबर पर बने रहेंगे।